मियालाल साहू की हत्या करने वाला आरोपी मोहम्मद रियाज बीजेपी का सदस्य था। दैनिक भास्कर की इन्वेस्टिगेशन में यह साबित हुआ कि रियाज बीजेपी से जुड़ा था। हालांकि बीजेपी से जुड़ने के पीछे उसका मकसद क्या था, क्यों जुड़ा था, इसे लेकर जांच की जरूरत है। अब आपको दिखाते हैं वो सबूत जो साबित करने के लिए काफी है कि रियाज बीजेपी से जुड़ा हुआ था। ये है पहला सबूत। रियाज की सामने आई इस तस्वीर के पीछे लगे बैनर में अभियान शब्द दिखाई पड़ रहा है, जो सदस्यता अभियान को पूरा करता है। साथ ही बैनर पर बीजेपी के मिस कॉल अभियान का नंबर 8980808080 भी दिखाई दे रहा है, जो बीजेपी ने 2019 में लॉन्च किया था। दूसरा सबूत ये देखिए, रियाज को बीजेपी का दुपट्टा पहनाया जा रहा है। ये आमतौर पर सदस्यता ग्रहण करने के दौरान पहनाया जाता है। इस तस्वीर में बीजेपी के जिला मंत्री करण सिंह शक्तावत रियाज को बीजेपी का दुपट्टा पहना रहे हैं। इस तस्वीर में बीजेपी शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली भी दिखाई दे रहे हैं। तीसरा सबूत देखिए, बीजेपी से जुड़े शीर्ष से लेकर निचले स्तर के नेताओं के साथ रियाज की तस्वीरें। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया से लेकर उदयपुर बीजेपी शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली तक, शहर के पूर्व मेयर और बीजेपी नेता चंद्र सिंह कोठारी तक रियाज सभी के साथ दिखाई दे रहा है। चौथा सबूत, बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहम्मद ताहिर ने नवंबर 2019 में एक फेसबुक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें ताहिर रियाज को बीजेपी कार्यकर्ता बता रहा है। ये पोस्ट बीजेपी के सदस्यता अभियान के कुछ महीनों बाद की ही है। इसी दौरान पूर्व मेयर चंद्र सिंह कोठारी का रियाज को सम्मानित करते हुए एक फोटो भी सामने आया है, जिसमें अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष जिद की भी नजर आ रहा है। अब नेता प्रतिपक्ष ने रियाज के साथ फोटो को लेकर सफाई दी है। साथ ही अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान ने आरोपी रियाज को लेकर कहा कि वो कभी पार्टी का सदस्य रहा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत अल्पसंख्यक मोर्चा भी है। इस फोटो में अल्पसंख्यक मोर्चे का इशाक चेन वाला कभी भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे में कार्यकर्ता के रूप में रहा है, कार्यक्रम में भी रहा हूँ, और इसलिए अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यक्रम में मेरी उपस्थिति होना कोई गुनाह नहीं है। ना किसी बूथ में, ना किसी मंडल में और ना जिला की टीम में वो कभी पार्टी का सदस्य नहीं रहा है। ये बिल्कुल झूठी बात है, ये बेबुनियाद बात है, पार्टी को बदनाम कर देने की साजिश है। अगर वो कहीं भी मेंबर होता या कोई भी होता, जैसे मैं बीजेपी का प्राथमिक सदस्य हूं, तो इस तरीके की मेंबरशिप की पर्ची हम लोगों के पास होती है सदस्यता लेने के लिए, सदस्य बनने के लिए। इसलिए ये झूठी बात है, पार्टी को बदनाम कर देने की वाली बात है। इस मामले में ये भी सामने आया है कि अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष अख्तर अली सिद्दीकी का फेसबुक अकाउंट खाली हो गया है। बीजेपी की अंदरूनी तफ्तीश में पता चला है कि सिद्दीकी के अकाउंट से बड़ी मात्रा में पोस्ट डिलीट किए गए हैं। बीजेपी अपने स्तर पर खुद इसकी जांच भी करा रही है। वहीं बीजेपी के कुछ नेताओं का ये भी कहना है कि किसी सोची समझी साजिश और पार्टी की रेकी के लिए रियाज शामिल हुआ हो, साथ ही इस वजह से भी कुछ लोग रियाज को पार्टी में लाना चाह रहे हों। निखिल शर्मा, दैनिक भास्कर, उदयपुर। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।